नाइन्थ? नाउ इट इज ओके, नाइन्थ एफ बीच में ही बैठे हैं इन्हीं में ही। हाँ जी, नाइन्थ एफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग, राइट। चलिए जी, तो लास्ट क्लास में हमने लाइंस एंड एंगल्स का फर्स्ट मॉड्यूल फिनिश कर लिया था। सेकंड मॉड्यूल का एक क्वेश्चन मैंने करवाने की कोशिश की, बट आप लोग वर नॉट इन द मूड आई थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से शुरू कर रहे हैं हम, मॉड्यूल टू का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट से निकाल लीजिए अपने मॉड्यूल्स, पेन कॉपी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल टू ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। बातें बातें नहीं करनी है, फटाफट से काम करो बस। PQ is perpendicular to PS, PQ is parallel to SR, SQR is 28 degree and QRT is 65 degree, X और Y हमें निकालने हैं। चलिए जी, जल्दी से करो और बताओ क्या करना है। बस जी, बस आपका ध्यान अपने काम में, बातों में नहीं, किसी का भी ध्यान। जल्दी से क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ करो कॉपीज के ऊपर। लुक फॉर द पैरेलल लाइंस, देयर प्रॉपर्टीज। PQR इज इक्वल टू QRT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। PQR दिस होल एंगल, हाँ जी, किसके साथ ऑल्टरनेट है? इसके साथ, क्यू QR टी के साथ, बिल्कुल ठीक है। ये जो पूरा एंगल है, दिस होल एंगल इज ऑल्टरनेट इंटीरियर विद दिस, बिकॉज ये और ये पैरेलल, क्यू आर इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। इसका मतलब अगर ये 65 है, दिस मच पार्ट इज 28, सो हाउ मच इज एक्स? 37। 65 माइनस 28, 37 37, दिस इज 37। हाँ जी, अगर ये 37 है, पी क्यू और एस टी पैरेलल है, क्यू एस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। मैम, पीएस और क्यूआर पैरेलल नहीं है। पी क्यू एंड एस आर पैरेलल दिए हैं? दिए हैं बेटा, क्वेश्चन में पढ़ो, पी क्यू एंड एस आर गिवन टू बी पैरेलल, तभी आपने इसको ट्रांसवर्सल बनाया। ये ऑल्टरनेट इसके साथ ऑल्टरनेट हो गया आपका। अब ये मैम क्यू एस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल फॉर द सेम टू पैरेलल लाइंस, सो दिस एंगल एक्स इज सेम एज दिस एंगल एक्स, तो ये वाला एंगल भी आपका हो जाएगा 37। दिस इज 90 गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ कैन यू फाइंड वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी लगा सकते हो। ये 90, पी क्यू एस ट्राइंगल में ये 37 है, ये 90 है, आप ये लगा सकते हो, बता सकते हो। दूसरा, पी क्यू एस आर पैरेलल हैं, तो ये एंगल पी और ये टोटल एंगल एस, को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 होगा, वहां से भी निकाल सकते हो। चॉइसेस योर्स, करना वही है आपको, इन दोनों को ऐड, या मैं कहूँ 90 में से 37 को माइनस कर दो, तो दैट विल बी योर आंसर फॉर वाई, एंड दैट इज 50। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन में एनालाइज क्या करना रहता है कि कौन सी पैरेलल लाइंस है और कौन सा ट्रांसवर्सल। उसके बाद तीन चीजें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। कुछ बातें आपकी वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर के साथ चलती हैं, बस इतनी ही चीजें हैं, और पूरे चैप्टर के अंदर इससे ज्यादा कोई बात है ही नहीं आपकी, ठीक है जी। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन, फटाफट से फिगर कॉपीज के ऊपर थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ कर लो, ताकि क्लैरिटी रहे क्या चीज दे रखी है क्या नहीं, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको फटाफट डायग्राम के ऊपर डालो, फटाफट, जल्दी जल्दी। एवरीबडी शुड
वी डूइंग इट। क्वेश्चन का फिगर कॉपीज के ऊपर ड्रॉ करो क्लियरली सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं आपको ए बी एंड सी डी। ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ दिस इज एफ पॉइंट पैरेलल टू बी सी, एंगल बी ए सी इज 65 एंड डी एच एफ, वेर इज डी डी एच एफ, ये एंगल है आपका 35। आपको ए जी एच पूछा गया है, दिस होल एंगल इज वॉट आई नीड टू कैलकुलेट ए जी एच। हाँ जी, डायग्राम बना लिया सभी ने, कौन सी है वो लिख ली कॉपीज के ऊपर, और जो एंगल दिए हैं वो मेंशन कर लिया सभी ने। चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं कि कहां से हम क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन जो एंगल्स दिए हैं उन्हीं से ही हम प्रोसीड करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ है नहीं है हमारे पास। तो कौन दो एंगल आपको दे रखे हैं, 65 दिया है, ये 35 दिया है, ये दो पैरेलल लाइंस और ये दो। हाँ जी, नाइन्थ ई, यू वांट टू से समथिंग? नो, चलिए फटाफट देखिए, मैं बुला रही हूँ अभी बोर्ड के पास, माइक के पास, टू गिव द आंसर। जल्दी जल्दी ढूंढो क्या क्या मिल रहा है कहाँ से, बी क्विक। मैं बीसी को एक्सटेंड करो, किसको एक्सटेंड करूं, बीसी को, ठीक है जी कर लो। आप कह रहे हैं इस बीसी को मैं एक्सटेंड कर दूं, बेटा मैं जिसको पूछूं वही आंसर करेगा, एक जना आंसर कर देता है तो बाकियों का समझ नहीं आता कि कुछ कर भी रहे हैं, सिर्फ बैठे ही हैं। आपने कर लिया, इट्स ओके, आई एम गिविंग 1 मिनट टू एवरीवन, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द एज मेनी एंगल्स एज यू कैन। फिर से चीजें वही लग रही हैं, पैरेलल लाइंस ढूंढो, ट्रांसवर्सल ढूंढो, जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल देख रहे हो उनमें अल्टरनेट इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट, लीनियर पेयर, बस पांच चीजें हैं, छठी कोई चीज है ही नहीं तुम्हारे पास। कहां क्या लग रहा है जल्दी से उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लो और फिर मुझे बताओ कि क्या करना है आपको। मैम एंगल एफ एच डी प्लस एंगल जी एच डी इज इक्वल टू वन लीनियर पेयर। कौन सा एंगल कह रहे बेटा, एंगल एफ एच डी इज इक्वल टू एंगल जी एच डी, एफ एच डी इज सेम एज प्लस ये वाला, प्लस ये वाला एंगल कह रहे हो मिल जाएगा लीनियर पेयर, ठीक है जी। अगर ये 35 है तो ये कितना होगा, हाउ मच इज दी एच सी, क्यों होगा 35, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसके साथ कुछ हमारे पास कोई लीनियर पेयर या वर्टिकली अपोजिट वाली बात तो नहीं बन रही है, तो हम क्या करें, हम पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट देखें। ए बी और सी डी ये पैरेलल लाइंस हैं, इसमें ट्रांसवर्सल कौन सा, इन दो लाइंस के हिसाब से अगर आप देखते हो तो विच इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, ए सी ए सी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल।
ये और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में एसी ट्रांसवर्सल हो गया। अगर ट्रांसवर्सल है, ये 65 पता है, तो अब इसके साथ ढूंढना शुरू करो, ऑल्टरनेट इंटीरियर मिल रहा है, करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, क्या हो रहा है? करस्पॉन्डिंग, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो करस्पॉन्डिंग से बेटर है आपके पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये 65 हो गया, इज इट? ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स पर दो एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो इफ दिस इज 65, दिस इज 65, ये थे वर्टिकली अपोजिट, ये हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आगे चलिए जी, क्या करें? मुझे ये एंगल चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ? कैन यू गेट दिस एंगल, एंगल सी जी एच? सिक्सटी फाइव फाइव सिक्सटी माइनस वन हाँ, सिक्सटी, ये आपका ट्रायंगल हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। एटी 35 हो गया 100, सम ऑफ एंगल्स 180, तो ये हो गया आपका 80। अगर ये 80 है तो ये इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? 100। सो द एंगल विच आई नीड, दैट इज एंगल ए जी एच, इज गोइंग टू बी 100 डिग्रीज। एक बार दोबारा देखते हैं, ये एंगल पता था, ये एंगल पता था, आपको भी ये समझ में आ ही गया है कि जो मालूम है वहीं से चल सकते हैं, ऑब्वियसली उसके अलावा तो कुछ है नहीं मेरे पास करने को। ये इसके साथ ऑल्टरनेट, सॉरी, ये इसके साथ वर्टिकली अपोजिट 35 मिल गया। ये दो पैरेलल लाइंस ए सी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये अपोजिट साइड्स पर लाई कर रहे हैं ट्रांसवर्सल के, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लाइन पैरेलल होने पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं, तो ये 65, तो ये भी 65। अब जी एच सी ट्रायंगल बना रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सी जी एच इज 80। नाउ दिस एंगल एंड एंगल ए जी एच, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। इफ वन एंगल ऑफ द लीनियर पेयर इज 80, अनदर वन इज 100। कोई डाउट है किसी को तो बता दो, और अगले क्वेश्चन में किसी ने बोलना नहीं है, मैंने माइक पे ही बुलाना है, अब फटाफट से सबने करना है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9A, जल्दी से सब कॉपीज पे फिगर ड्रॉ करो, जो पैरेलल लाइंस का इंफॉर्मेशन दिया है वो लाओ, जो एंगल दिया है वो लेकर के आओ, और देखो कैसे आप प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस के लिए। जल्दी बिना बातें की और किसी ने नहीं बोलना, आई एम गोइंग टू कॉल समवन ऑन दी माइक, बोलना नहीं है। मैम। हाँ जी, हमें यहां पर दिया ए एफ ई डी के पैरेलल है, ए एफ ई डी के पैरेलल है, फिर सी जी ए बी के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं, ए ई एच डी के पैरेलल। इफ एंगल एफ पी डी, ये पॉइंट पी है, एफ पी डी, दिस एंगल इज गिवन टू बी 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री दे रखा है, और मुझे चाहिए एईडी। एईडी मीन्स दिस होल एंगल इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। नाइन्थ ए से रॉबिन, वेयर इज रॉबिन?
आ जाओ बेटा माइक के पास आ जाओ जल्दी से, और मुझे बताओ कि जो कुछ मुझे गिवन है उससे कहां से मैं शुरुआत कर सकती हूँ, क्या कुछ निकाल सकती हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो। बेटा ये एंगल मुझे मालूम है, सबसे पहले हाँ कौन सा एंगल मैं बता पाऊंगी कि आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, आई कांट हियर यू। माइक ऑन ऑफ कर लो एक बार, या इसका वायर वायर चेक कर लो। ये इसके पास आके चलता है क्या माइक, बाकी चलता नहीं है कहीं। कोई बात है, हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल चल पड़ा जी, तभी मैंने कहा आपके पास आके चलता है ये। ओ माइक में घुसना नहीं है, माइक को साथ में ऊपर ले करके बोलो, थोड़ा ध्यान से जोर से बोलो जरा। बातें करते हुए वॉल्यूम आता ना आपका, वैसा वॉल्यूम आना चाहिए तब माइक बात करता है, वरना ये बात नहीं करता माइक। हाँ बेटा हाँ, कौन सा एंगल निकाल सकते हो अगर ये 40 डिग्री दे रखा है तो, विच एंगल कैन आई फाइंड आउट। क्या कह रहे हैं आप बताएंगे, जो साथ में बैठे हैं आप बताएंगे क्या बोल रहा है ये, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा अच्छा है। APH, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्यों होगा 40 डिग्री बेटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट हैं, ये 40 तो ये 40। चलिए जी, नाइन्थ बी से मुझे सागर, नाइन्थ बी सागर, आगे चलाओ जी क्या करूं अब। ये एंगल 40 मुझे मिल गया है, और अब ये पैरेलल लाइंस के साथ कुछ ना कुछ काम मुझे दे देगा। बताओ जी कौन सी पैरेलल लाइंस, कौन सा ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन मैंने मार्क कर रखी है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है। एंगल ए पी डी प्लस एंगल एफ पी डी 180 लीनियर पे। दोबारा बोलो। एंगल ए पी डी प्लस एंगल एक ढूंढ लिया, देने दे करो मुझे। एंगल ए पी डी, हाँ जी, एंड एफ पी एफ डी पी ए पी डी, मतलब ये वाला एंगल कह रहे हो आप, राइट? इसको मैं एक्स मान करती हूँ। इसके साथ कौन लीनियर पेयर बना रहा है भाई, सीनियर पेर कौन सा? एफ पी डी। अच्छा ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, चलो ये भी बात ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 140 एक। 140 अच्छा जी, फिर आगे चलो क्या करूं। ये बात तो ठीक है, लीनियर पेयर से एंगल तो मिल गया, मुझे निकालना है ये वाला एंगल। अब थोड़ी सी अगर आप दिमाग लगाएं तो मिल सकता है सामने पड़ा आपके आंसर। आगे क्या करूं, मुझे ये वाला चाहिए एंगल। चलिए बैठिए सीट पर, दो एंगल बता दिए गए हैं मुझे, ये 40, ये 140, ये वर्टिकली अपोजिट से, और ये इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये 140 डिग्री हो गया। अब नाइन सी से, नाइन सी से कविश, कविश फ्रॉम नाइन सी। माइक ही नहीं चलते हैं तुम्हारे, नाइन सी का कल भी नहीं चल रहा था ना, कल भी बच गए थे, ये बड़ा गड़बड़ काम है। चलो जी, नाइन्थ डी से अर्श, अर्श फ्रॉम नाइन्थ डी, बोल बेटा क्या करूं आगे। बड़े सारे तरीके, क्या लगाऊं, मुझे ये एंगल चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे आगे।
जोर से बोलो APH APH। हाँ ये 40 डिग्री प्लस HPF प्लस HPF। अरे भाई तुम लीनियर पेयर में ना घुमाते रहो ना, मुझे जो एंगल चाहिए उस पे पहुंचे ना, इधर नहीं जाना इधर चलो इधर। ये तो वर्टिकली अपोजिट से भी ये 140 है तो ये वाला 140 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, लीनियर पेयर भी हो गया वर्टिकली अपोजिट हो गया सब हो गया। आगे चलो कुछ। हाँ जी कौन बताएगा? Can I? कैन आई बोलो जी बोलो। मैम एंगल पी ए ई प्लस एंगल पी ए ई। हाँ जी प्लस एंगल ए पी डी एंगल ए पी डी। हाँ इक्वल्स टू को इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है एच डी और ए ई पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाला एंगल जिसको हमने 140 लिखा और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये आपका ए पी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ए ई एंड एच डी। सो इफ दिस इज 140 हाउ मच इज दिस गोइंग टू बी? 40। 40। चलिए फिर आगे चलिए। एंगल एफ पी डी इक्वल्स टू एंगल पी डी ई एफ पी डी इक्वल्स टू एंगल पी डी ई पी डी ई। इंटीरियर एंगल्स तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत किधर है बेटा? ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये 40 मिल गया तो क्या ये 140 को इंटीरियर से नहीं हो जाएगा? देखो जी आपने यहां पर ये दो पैरेलल लाइंस थी, इसको ट्रांस को इंटीरियर से। लाइकवाइज ए है ये, सॉरी सॉरी, ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइंस ये ट्रांसवर्सल तो ये को इंटीरियर हो गए। इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जब आपने ये 140 निकाल दिया, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, पैरेललोग्राम हो गया ए ई डी पी। इज इट अ पैरेललोग्राम? यस। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये आपका ए ई डी पी पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि इसमें ये इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड्स अगर आपके पास पैरेलल हैं पैरेललोग्राम हो गया और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है जी। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 140 डिग्री। एक ही चीज को निकालने के बहुत तरीके हैं, जैसे मर्जी घूम करके निकाल सकते हो, सिर्फ थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है, उससे ज्यादा कुछ डिमांड नहीं किया जा रहा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी से ड्रॉ करो फिगर और बताओ कैसे निकालेंगे हम आंसर। ए बी सी डी ये ई एफ ए एफ से जॉइंड है ई डी से जॉइंड है ई सी एंड बी एफ दे आर जॉइंड। अब गिवन क्या है वो देख लेते हैं। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। ओके E और F मिड पॉइंट्स हैं ए बी और सी डी के। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड एंगल ए डी ई। ए डी ई दिस एंगल इज 70 डिग्री and BCE, BCE means this angle is 40 degree. और आपको बताना है DEC, DEC means I want this angle.
योर एफ ओ कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन सब सब कुछ आप नहीं बता सकते ना, और बाकियों को भी कुछ बोलने दें, बाकियों को भी बोलने दें कुछ थोड़ा बहुत। हाँ जी, 9th E से राम, 9th E से वरुण, वरुण फ्रॉम 9th E आ जा बच्चे, बताओ जी क्या करूं वरुण? ए ई बी बी के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, ए ई ई बी के इक्वल हो जाएगा। ए ई ई बी के इक्वल, वो मैंने मार्क कर दिया ऑलरेडी, ए ई बी के इक्वल और डी एफ एफ सी के इक्वल, ये ऑलरेडी ये मार्क कर चुकी हूं मैं। When I put these lines, ये बता रहा है कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। चलिए आगे चलिए। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज देखो, कैसे लगाओगे, कहां पर लगाओगे। दो चीजें तुम्हें दी हैं, फिर से वही बात है, जो एंगल दिए हैं उनसे ही हमें चलना है। ये एंगल 70 दिया, अब इसके करस्पॉन्डिंग कुछ पैरेलल लाइंस, कुछ ट्रांसवर्सल्स की बात देखो। बेटा एक बात बताओ, ये दोनों पैरेलल हैं, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं, अगर मैं इन दोनों को भी ज्वाइन कर दूं तो क्या ये ई एफ इनके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, पहले ये बता दो मुझे। यस, बस फिर क्वेश्चन हो गया। अब बताओ जरा एंगल ए डी ई डी ई एफ इक्वल आ जाएगा। ए ई डी किस इक्वल आ जाएगा? डी ई एफ, डी ई एफ के इक्वल क्यों होगा बेटा? Alternative interior angles. Perfect. Alternate interior angles. AD is parallel to EF. DE is acting as a transversal. ये दोनों इसके opposite side पर angle पड़े हैं, so each is going to be 70 degree. आगे चल बच्चे। EFB 40 हो जाएगा। EFB ये वाला angle 40 होगा? FEC. एफ ई सी 40 होगा, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों पैरेलल, ई सी एज ट्रांसवर्सल, सो इफ दिस इज 40 दिस इज ऑल्सो 40, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मुझसे ये कंप्लीट एंगल पूछा गया था, एंगल डी ई सी, तो कितना हो गया बेटा ये 110। ठीक है जी, चलिए सीट पर। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन की है, क्या किया है, वी हैव जॉइंड ई एंड एफ। AD was parallel to BC, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं, तो इनको जब हमने ज्वाइन किया, ये आपके पास पहले बात, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल हैं तो इसका हाफ और इसका हाफ इक्वल, जब ज्वाइन करोगे तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ये दो पैरेलल लाइंस AD और EF के लिए ट्रांसवर्सल DE, तो दिस एंगल इज 70 डिग्री। Likewise, EF is parallel to BC, EC is acting as a transversal, so this is alternate interior 40 degree, the whole angle is 110 degree. Agla question zara thoda sa soch ke karna. Acha, ek baat aur bata do, next chapter kaun sa kar rahe hain aap log class mein? Lines and angles ke baad which chapter have you done? Triangles. राइट कर चुके हैं या अभी चल रहा है? कर लिया। ठीक डन। ठीक है जी, ठीक, चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इसके मेरे रिवीजन कर रहे हैं ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल्स की रिवीजन कर रहे हो आप लोगों का जो सिलेबस है सितंबर टेस्ट का, आप एक बार मुझे जरा, एनी सिर्फ एक बच्चा कोई बोले सब नहीं बोलेंगे, क्या सिलेबस है आपका वो मुझे एक बार आप बता देंगे? हाँ जी, फर्स्ट नंबर सिस्टम 1 to 7 एज पर एनसीईआरटी, ओके एक सेकेंड, जिसको प्रॉपरली मालूम है कौन से चैप्टर हैं वो मुझे एक बार बता दो।
मैम 3 to 7 अच्छा फर्स्ट सेकंड नहीं आने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। थर्ड टू सेवन एनसीईआरटी। ओके चलिए चलिए फटाफट क्वेश्चन पर चलिए फटाफट। दिस इज मार्क्ड एज ई, दिस इज जी, दिस इज एच, ये है आपका बी, दिस पॉइंट इज गिवन टू बी जी, दिस इज डी, दिस इज सी, एफ, आई। अब मुझे दिए जी एच इज पैरेलल टू आई जे, जी एच इज पैरेलल टू आई जे, ए सी पैरेलल टू बी डी, ए सी पैरेलल टू बी डी, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर बाइसेक्टर्स ऑफ ई ए एच। बाइसेक्टर है इसका मतलब जो एंगल ये वही ये, बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सो ईच इज गोइंग टू बी सेम, सो आई एम मार्किंग देम एज एक्स। फिर आपके पास है एफ सी जे का बाइसेक्टर है सी डी, इसका मतलब अगर ये वाई है तो ये भी वाई है। एंगल ए बी डी, ए बी डी लेटर से इसको वन मार्क कर देते हैं, एंड बी डी सी इसको टू मार्क कर देते हैं। ये सम चाहिए मुझे, एंगल वन प्लस एंगल टू इज हाउ मच, दिस इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट। जबकि बी ए सी, बी ए सी ओके, एंगल बी ए सी इज गिवन टू बी थ्री टाइम्स बी डी सी। सोचो जी सोचो करो कुछ। हाँ जी, पैरेलल लाइंस। अब यहां पर कोई भी एंगल ऐसा दिया नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दिया मुझे किसी भी एंगल की, ये 30 डिग्री है या 20 डिग्री है, कुछ नहीं दे रखा है, तो मुझे सीधे सीधे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पर चलना पड़ेगा। ये टोटल एंगल मैंने 2x बोल दिया, ये वाला, ये x और ये x लिया तो ये टोटल हुआ 2x। चलो यहां से शुरू करते हैं, या ये 2y हम लेके चल रहे हैं, यहां से शुरुआत कर सकते हैं। इफ दिस एंगल इज 2x, विच एंगल इज अगेन गोइंग टू बी 2x, कौन सा एंगल होगा 2x बता सकते हो? ए एच पैरेलल टू आई जे है, this angle is 2x, so which angle is going to be 2x, anyone who can tell me? Is this angle going to be 2x? ACJ, ACJ, bilkul theek hai ji, ACJ 2x corresponding angles, ye do parallel lines EF is acting as a transversal, so these two are corresponding angles going to be 2x. Similarly, अगर ये 2y है तो ये कितना हो जाएगा? 2y. मुझे एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू चाहिए, बताओ जी अब मैं क्या करूं? How can I proceed further?
ये पूरा एंगल कितना होगा, दिस होल एंगल? दिस होल एंगल इज 180 डिग्री, 180 180, मतलब 2x+2y है 180 डिग्री. सो यहां से आई कैन गेट एक्स प्लस वाई एज 180 डिग्री. मुझे एंगल 1 + एंगल 2 की रिक्वायरमेंट है. बताएं क्या कर सकते हैं? ध्यान सबका काम में, इधर उधर नहीं. 9th A, ये क्या हो रहा है बच्चों? कभी पेन और कभी कॉपी, टिक के बैठ जाओ और काम कर लो. हाँ जी, आगे क्या कर सकती हूँ? एक्स प्लस वाई मुझे मिला, इंडिविजुअली एक्स और इंडिविजुअली वाई नहीं मिल रहा है मुझे. एक्स प्लस वाई की वैल्यू मुझे मिल गई है 90 डिग्री. माई मिस्टेक, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई इज 180, सो एक्स प्लस वाई इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. दिस इज वॉट आई हैव गॉट. क्या कर सकती हूँ अब मैं? आपका बी ए सी डी क्वाड्रिलेटरल है. बी ए सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्यों हमने इसको कंसिडर किया? क्योंकि इसमें एंगल 1 और एंगल 2 पढ़े हैं और इसके अंदर ये एक्स वाई वाली बातें भी कुछ आ रही हैं. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360. 360 आओ जरा देखो जरा, क्या एंगल 1 + एंगल 2 निकाल पा रहे हो? जल्दी जल्दी करो जरा फटाफट. ए बी ए सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल्स का सम 360 डिग्री होने वाला है. इसका मतलब ये वाला एंगल कंप्लीट, दैट इज एक्स प्लस टू वाई. देन दिस एंगल 2x+y, देन एंगल 2, एंगल 1, दिस इज 360 डिग्री. चारों एंगल्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 360 डिग्री होगा. ये वाला एंगल इज एक्स प्लस टू वाई, दिस वन इज 2x+y, दिस इज 2, दिस इज 1. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये बन गया 3 x + y + एंगल 1 + एंगल 2 इज 360 डिग्री. एक्स प्लस वाई कितना निकाल लिया मैंने? 90. नहीं। एक्स प्लस वाई अगर 90 है तो 90 × 3 = 270. तो 360 - 270, दैट इज 90 डिग्री. इसका मतलब एंगल 1 + एंगल 2 कितना है? 90 डिग्री. सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 90 डिग्री. ये जो हमें लास्ट में इंफॉर्मेशन दी है, एंगल बी ए सी इज थ्राइस ऑफ एंगल बी डी सी, ये कहीं यूज नहीं हो रही है. दिस इज अ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू मी. जो मुझे आंसर चाहिए था उसके लिए उसका यूज हम नहीं कर रहे हैं कहीं पर भी. दोबारा देख लो, हमने क्या कहा? ये एंगल 2x, तो एंगल ई सी जे इज गोइंग टू बी 2x. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज दीज टू आर पैरेलल लाइंस, ई एफ इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल. लाइक वाइज दिस एंगल इज 2y, सो दिस इज गोइंग टू बी 2y. दीज टू आर पैरेलल लाइंस एंड अगेन दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल. फिर हमने ए सी डी बी क्वाड्रिलेटरल कंसिडर किया. क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम 360 डिग्री, एक्स प्लस वाई 90 हम यहां से निकाल चुके थे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करके. तो एंगल 1 + एंगल 2 इज 90 डिग्री. हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो इन 5 MCQs में तो जरा जल्दी से मुझे बता दो. एनीबडी हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द क्वेश्चन, चलिए जी. अगर समझ में आ गया है, नहीं पूछ रहे हैं आप कुछ, तो हम असर्शन रीजन पर चल रहे हैं. फर्स्ट असर्शन रीजन सेज, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 5:4. दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल, और वो क्या कह रहा है? टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब इन दो की बात कर रहा है. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, आई कैन टॉक अबाउट दिस और आई कैन टॉक अबाउट दिस, दे आर इन द रेशियो 5:4, देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स इज 100 डिग्री. 9th F से जसमीत, जसमीत फ्रॉम 9th F,
कहां पर कौन सी क्लास में बैठे हैं? जसमीत 9th F। I'm not present. Not present. Okay. 9th F से मन्नत. मन्नत from 9th F. है present? हाँ जी बेटा बोलो क्या करें? ये दो एंगल को इंटीरियर एंगल रेशियो दे रखी है 5:4 और पूछा गया है ग्रेटर ऑफ द टू इज 100 degree। मन्नत बोल जी बोलो बोलो फटाफट बोलो क्या करें? अगर रेशियो 5:4 दे रखी है तो एंगल्स को क्या ले सकते हैं बेटा? और जोर से बोलो क्या ले सकते हैं एंगल्स को? 180 डिग्री इक्वल। हाँ ये दोनों को इक्वल ले लो। दे बोथ एंगल आर इक्वल टू 180। सम ऑफ बोथ एंगल्स इज 180 या हर दोनों एंगल 180 180 हैं? ओ भाई इसको अगर मैं 1 कह दूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 ये कह रहे हो या आप कह रहे हो 1 2 दोनों इंडिविजुअली 180? क्या बात कह रहे हो आप पहले ये बताओ मुझे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तो एंगल 1 प्लस 1 2 इज 180। अब मुझे ये बेटा दे रखे हैं 5:4 की रेशियो में तो मैं क्या एज्यूम कर लूं एक एंगल को और इस एंगल को क्या क्या ले सकती हूं? जब रेशो दे रखी होती है तो किस तरह से एज्यूम करते हैं? कॉमन रेशो लेते हैं, पढ़ते थे 6th क्लास में 5x and 4। बिल्कुल ठीक है जी, इसको हम ले लेते हैं से 5x और इसको ले लेते हैं 4x। यहां पर डाल दो बेटा 5x प्लस 4x कितना है? 180। 9x हो गया 180। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? अच्छा ये कैलकुलेट करने के लिए पेन कॉपी की जरूरत पड़ती है बेटा। 120 आ गया तो ये हुआ 100 डिग्री और ये हुआ 80 डिग्री। हमसे पूछा गया था, कहा गया था ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स इज 100 डिग्री, इज इट ओके? दोनों में से जो बड़ा एंगल है वो 100 डिग्री का है, क्या ये बात सही है? यस। असर्शन क्या हो गया? ट्रू। और रीजन दे रखा है if a transversal intersects two parallel lines and the sum of the interior angles on the same side of the transversal is 180, ये भी correct है और इसी को use करके हमने अपना answer निकाला, so answer हो गया A। ठीक है बच्चे जाओ सीट पर। हाँ जी next है हमारे पास two angles which are formed opposite to each other when two lines intersect at a point or a vertex are called vertically opposite angles. True. अगर दो lines intersect कर रही हैं किसी point पर या किसी vertex पर, इसको L बोल दूं, इसको M बोल दूं, तो ये जो हैं, ये हैं आपके vertically opposite angles. A pair of vertically opposite angles are always equal to each other. True. Assertion is true, reason is true, लेकिन explanation नहीं है, so answer हो गया B। Next है, if two lines are parallel to each other, they do not intersect each other, they meet each other at infinity। बोलो जी। अगर दो lines parallel हैं, तो वो कहीं पर भी intersect नहीं करती। Yes. हमने जब चैप्टर शुरू किया था तभी बात की थी तीन तरह की लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस या तो फिर कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, पैरेलल का मतलब कहीं मर्जी ले जाओ दे आर नॉट गोइंग टू मीट एनीवेयर। सो इफ टू लाइंस are parallel to each other, they do not intersect each other, they meet each other at infinity. At infinity ka matlab they are not going to meet anywhere. So, assertion hua? True. True. True.
रीजन है, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स। दो एडजेसेंट एंगल्स की अगर हम बात करें, लेट अस से ये दो एडजेसेंट एंगल्स हमने ले लिए, एंगल वन एंड एंगल टू, पहले तो बताओ आर दे एडजेसेंट और नॉट? यस दे आर एडजेसेंट, दे आर नॉट फॉर्मिंग लीनियर पेयर बट दे आर एडजेसेंट। एक कॉमन वर्टेक्स है इनका ओ, एक कॉमन आर्म है ओबी, अनकॉमन आर्म्स ओ ए एंड ओ सी ओबी की अपोजिट साइड्स पर लाई कर रही हैं, तो एडजेसेंट एंगल होने की सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं। अब अगर मैं एंगल बी ओ ए की बात करूं और एंगल सी ओ बी की बात करूं, तो इनके कोई इंटीरियर पॉइंट, व्हेन आई से इंटीरियर पॉइंट्स मींस पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द एंगल, क्या दोनों में कोई भी इंटीरियर में कोई पॉइंट कॉमन है? नो पॉइंट इज कॉमन। ये रीजन इससे एंटायरली डिफरेंट है, सिर्फ कॉमन पॉइंट इस कॉमन आर्म के ऊपर पड़े हैं, इस एंगल के और इस एंगल के। तो ये है ऑन द एंगल, नॉट इन इंटीरियर ऑफ द एंगल। सो अगर आप इंटीरियर ऑफ एंगल्स की बात करते हो तो एडजेसेंट एंगल में कुछ भी कॉमन नहीं होता इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। इसका मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आंसर इज बी। अगला पढ़ो जी, ध्यान से पढ़ना और साथ साथ थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेना, मार्क कर लेना, वरना थोड़ा सा लैंग्वेज कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ध्यान से पढ़ना जरा सब लोग। हाँ जी, क्या समझ में आया? मुझे यहाँ कहा जा रहा है व्हेन टू लाइंस आर क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, लाइंस पैरेलल हैं या नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला गया, पैरेलल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, बट दे आर बीइंग क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल। द पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द लाइंस। अब एंगल्स की बात कर रहे हैं जो इनसाइड बन रहे हैं, इनसाइड मेरा ये दो तीन और चार, ये चार एंगल इनसाइड बन रहे हैं। फिर आगे क्या कहा? द पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द लाइंस हैविंग डिफरेंट वर्टिसेस। डिफरेंट वर्टिसेस का मतलब ये वर्टिसेस ए तो ये बी, दोनों जो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं वो डिफरेंट वर्टिसेस पर हैं। एंगल वन और टू की बात करूं, दोनों के इनसाइड हैं बट ऑन द सेम वर्टेक्स। एंगल थ्री और फोर की बात करूं, दोनों लाइंस के इनसाइड हैं बट ऑन द सेम वर्टेक्स बी, बट यहां बात की जा रही है अपोजिट वर्टेक्स पर हो एंड अपॉन एंड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब मैं यहां पर जो बात कर रही हूं, या तो मैं वन एंड थ्री की बात कर रही हूं या टू एंड फोर की बात कर रही हूं। दोबारा देखो, मुझे क्या कहा गया था? जब दो लाइंस एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही हैं, उन दो लाइंस के अंदर के एंगल, ये चार अंदर के एंगल, ऑन अपोजिट ऑन डिफरेंट वर्टिसेस, दो वर्टिसेस थे ए और बी, इसका मतलब मैं वन और टू की बात नहीं कर रही क्योंकि दोनों एक ही वर्टेक्स ए पे बन रहे हैं, तीन और चार की बात भी नहीं कर रही हूं क्योंकि वो भी एक ही वर्टेक्स बी पे बन रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कहा? एंड ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की बात करूं तो वन और थ्री अपोजिट पे हैं, दो और चार अपोजिट पर हैं, एक और चार सेम साइड पर हैं, दो और तीन भी एक साइड पर हैं। इसका मतलब मैं या तो एक और तीन की बात कर रही हूं या दो और चार की बात कर रही हूं। अगर ये एंगल्स हैं तो आर दे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? जल्दी से बोलिए जी, वन एंड थ्री या टू और फोर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहां कहा गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इसका मतलब असर्शन हो गया। False. False.
तो सीधा सीधा ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं ऐसा नहीं पूछ दिया गया, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया गया. सो यू शुड बी एबल टू मेक आउट कह कहा रहा है. जो कुछ बोलता जा रहा है ड्रॉ करते जाओ, विजुअलाइज करते जाओ, एंड यू विल एबल टू डू इट. नेक्स्ट है व्हेन टू लाइंस आर क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल. सेम, व्हेन टू लाइंस आर क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक ही साइड पर बन रहे हैं एंड आर इन करस्पॉन्डिंग पोजिशन रिलेटिव टू द टू लाइन्स. मतलब इस पोजिशन पर तो इसका ये वाली पोजिशन, इसके रिस्पेक्ट में ये करस्पॉन्डिंग पोजिशन, इसके रिस्पेक्ट में ये करस्पॉन्डिंग पोजिशन, इसके रिस्पेक्ट में ये करस्पॉन्डिंग और इसके रिस्पेक्ट में ये करस्पॉन्डिंग पोजिशन. सो आर दे कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स? यस. तो रीजन है ट्रू, असर्शन फॉल्स. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट पढ़ो जी. बड़ा आसान सा है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका. इसमें जो लाइन है वो पैरेलल है या नहीं? जब मुझे कहा गया टू लाइंस आर क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, पैरेलल नहीं लिखा, सो वी विल नॉट एज्यूम देम टू बी पैरेलल. दे कैन बी पैरेलल, दे मे नॉट बी पैरेलल, दे मे बी पैरेलल, दे मे नॉट बी पैरेलल. तो इफ टू लाइंस आर क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम. व्हाट शुड आई से? शुड आई से टू बी ट्रू और फॉल्स? ट्रू. अगर लाइंस पैरेलल नहीं हुई फिर फॉल्स, क्योंकि बोला नहीं गया है लाइंस पैरेलल हैं. अगर लाइंस पैरेलल नहीं हैं और ट्रांसवर्सल काट रहा इनको, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते. तो विल टेक इट एज फॉल्स स्टेटमेंट. अगर यहां दिया होता इफ टू पैरेलल लाइंस आर क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, देन दिस वुड हैव बीन ट्रू. ओके, सो असर्शन यहां पर फॉल्स है. रीजन दिया है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. ट्रू. सो आंसर इज डी. ठीक है जी. करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होने के लिए लाइन्स का पैरेलल होना इज अ मस्ट विच इज नॉट मेंशनड इन द स्टेटमेंट. सो वी विल टेक इट एज अ फॉल्स स्टेटमेंट. चलिए जी, जरा केस स्टडी फटाफट से पढ़ लो, देखिए जरा क्या दे रखा है. In the given figure, L, M, N are three parallel highways. A car traveling on highway L takes an exit at the point A. अब कार इधर से ट्रेवल करके आ सकते हैं यहां से, बट एग्जिट ले रहे हैं ए पॉइंट पे, बाहर जा रहे हैं हाईवे से टुवर्ड्स द रोड ए डी. यहां से आई इधर एग्जिट ले ली, या यहां से आया इधर एग्जिट ले लिया. अनदर कार ट्रेवलिंग ऑन हाईवे एल टर्न्ड टू इट्स राइट एट पॉइंट ए एट एन एंगल ऑफ 28 डिग्री एंड मूव्ड अलोंग द रोड ए बी. A car traveling on highway L takes an exit at point A towards the road AD ho gaya. Another car traveling on the highway turned to its right at a point A. Yahan se aayi, A se right pe turn kiya along AB at an angle of 28 degree. Matlab ki ye angle hua aapka 28. Moved along the road AB to reach on highway M. M par pahunch gaye hain. From there it moved along the road BC, which is making an angle 62 degree with highway M. M के साथ ये जो road है ये 62 degree का angle बना रही है. तो ये angle अगर हम figure को भी देखें
ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, सो एक्यूट की बात 62 एंगल, एक्यूट एक्यूट एंगल है, सो वी विल मार्क दिस एज 62 डिग्री. इफ ट्रैवल इट ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द लाइन बी सी टू रीच ऑन हाईवे एन एट पॉइंट सी, फ्रॉम दैट पॉइंट इट हैज टेकन द एग्जिट रोड्स ए डी एंड बी सी, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ये तीनों पैरेलल हैं. एल एम एन आर पैरेलल, ए डी एंड बी सी दे आर पैरेलल. ठीक है जी, तो हमें इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो ये तीन पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस, ये एंगल 28, ये एंगल 62. चले जी आगे चलते हैं. What are the possible measures of the angle which road AD is making with 152? अगर मैं AD की बात कर रही हूँ, मतलब मैं ये वाले और ये वाले एंगल की बात कर रही हूँ, ये दो एंगल्स की बात. मैम तो जो 28 है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा. ना 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 ना, वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा, यही क्वेश्चन के अंदर सिर्फ बात है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं और ये लाइन ये आ जा रहा है और इसके बाद ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इज नॉट इन द सेम स्ट्रेट लाइन. ओके मैम. एंड ए बी दे आर नॉट इन द सेम, नॉट गोइंग टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ये 28 डिग्री तो नहीं होने वाला है. इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, इसको जरा सोच के आना, करके आना, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो और बस जी बातें मत किया करो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो. अब थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा. हम ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 152 एंड मुझे ये आंसर नहीं गिवन है, बाकी एक बार देख लेते हैं. मैम जो लाइन एम है, मैम वो एक लीनियर पेयर है, वो स्ट्रेट लाइन है, तो जो 28 है मैम उसको अगर हम 180 में से माइनस करेंगे तो 152 नहीं आएगा. कौन सा लीनियर पेयर, ये और ये आर दे फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर? मैम नो, मैम नो, जो लाइन एम है हां मैम नो, एल एल हां मेक मेक स्ट्रेट लाइन है जिसका सम 180 होगा. मैम तो अगर हम 180 में से 28 माइनस करेंगे तो 152 नहीं होगा. ये 152 है. ये 152 है. मैंने किसका एंगल पूछा? मैंने AD का एंगल पूछा है L से. इज AD मेकिंग एंगल 152 विद L और AB इज मेकिंग 152 विद L? रीड द क्वेश्चन केयरफुली. आई सेड AD. सॉरी मैम. चलिए इसको थोड़ा सा आप करके आएंगे, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. कल हम इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद योर चैप्टर ट्रायंगल्स. ओके मैम. ओके जी. ओके बाय. थैंक यू फॉर टीचिंग. ओके मैम. बाय.